अच्छा, जिन्होंने सुनीता जी को उस समय नहीं देखा जब इनकी नई नई शादी हुई थी, आप देख सकते हैं आज. कितना डिट्टो है ना बाजी. फोटो स्टैप. टीना मुझे एक बात बताइए. हाँ जी. आपने सिर्फ एक फिल्म की है और आपके बारे में ये भी सुन चुकी कि 25-30 आप मना भी कर चुकी हैं, तो आपको फिल्म करने में से ज्यादा मजा रिजेक्ट करने में आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ मजा नहीं आता है, बट एक क्या होता है, जब आप एक स्टार किड होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी होता है और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी होते हैं. सो जस्ट टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, यू हैव टू बी चूजी, सो दैट इज अ रीजन. तो आपको मम्मी और पापा में से दोनों में से डर किससे लगता है ज्यादा? स्पेशल वजह उसकी, मतलब पापा नहीं डांटते बिल्कुल? नो, नॉट एट ऑल. कितने कमाल की बात है ना, दोनों को इन्हीं से डर लगता है. पापा को मम्मी से लगता है, बेटी को मम्मी से लगता है. कि ना, जब से आपने होश संभाला है आप पापा को ऐसे देखते आई हैं? घर में कैसे हैं, आपके साथ कैसे हैं? दूसरों के लिए तो सुपरस्टार है. नो नो, फॉर मी ही इज एक्चुअली लाइक अ नॉर्मल पंजाबी फादर. नॉर्मल पंजाबी फादर. या मतलब उनको जैसे ही पता चल जाता है कि आई हैव अ क्रश ऑन समबडी, जहां पे वो लड़का मिल जाए पहले ही उसका इंसल्ट कर देते हैं. मुझे लगा भाग के जाते हैं कि अच्छा बेटी तुझे को पसंद है, इंसल्ट कर देते उसको. या कंप्लीटली लाइक अ प्रॉपर पंजाबी फादर. अच्छा टीना, आपको क्या लगता है कि आपको या आपके भाई को ज्यादा छूट किसे मिली है घर में, कि ये जितनी मर्जी शैतानी कर ले इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये हमारा लाडला है? आप है कि भाई छोटा, वो आपसे छोटा ना? या बट उस पे ज्यादा नजर रहती है, सो आई थिंक इट्स मी हु गेट्स. उस पे ज्यादा नजर रहती है? या कुछ ज्यादा ही. ऐसे क्यों, क्या कारण लगता है आपको? He's little, उसको थोड़ा सा मम्मी ने बहुत ज्यादा एकदम कॉटन की तरह वो किया, तो बचपने की वजह से. हाँ, एंड लाइक वो अब्रॉड भी गया था एक साल के लिए. आई थिंक एवरी मंथ माय मॉम हैज गॉन टू लंदन जस्ट टू मीट हिम. मैम आपको सच्ची में चिंता थी कि बच्चा ध्यान से रह रहा है कि आपका अपना दिल करता था घूमने का? इसलिए चाहती थी बिगड़ ना जाए लड़का, हाथ से ना निकल जाए. तो कभी सरप्राइज मिला आपको, कभी आप गई हो तो कुछ सरप्राइज मिला? हिम्मत ही नहीं है. इतनी हिम्मत ही नहीं है. तो जब आप लंदन जाती थी तो पीछे गोविंदा सर पे नजर कौन रखता था? पता चला बेटे का ध्यान रखी तो पति निकल गए. इनको तो छूट दिया हुआ है. इनको छूट दिया है, कुछ करते ही नहीं है. अच्छा ये अच्छा है, अभी कुछ करते नहीं, इतना अच्छा बोल बोल के जब आदमी कर दे तो फिर बोलते हैं ये करा क्यों? It's very difficult to understand sometimes, sir. I don't mind discussing all these things, but then you know what the problem is. You should not discuss too much in front of your wife. Yeah, वाह वाह. खजूर, खजूर. मैंने सोचा था जाल बेटा, खजूर बेटा मेरा, ये देख मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ. कहाँ गिफ्ट? ये है ना आशीर्वाद. तुम यहाँ भी बताइए शेरी, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. नहीं ना, है ना? सुनीता मैम, आपके पति के साथ शेडम डांस कर रही है, क्या करना चाहेंगी आप? इनको इनका मुंह तोड़ना चाहेंगे, ईंट मारना चाहेंगी? नहीं, मैं तो बोलने वाली थी और चिपक के करो. सुनीता दीदी, आप यहाँ, मतलब यहाँ कैसे? टीना मेरी बच्ची कितनी सोनी है. हाउ आर यू बेटा? थैंक यू. हाय हाय, हु बहु मुझ पर गई है ये. नानी खुद तो ऋषि कपूर पे गई है. नानी क्या बात कर रही है? Once again. नहीं ऐसा कुछ नहीं, गैस कर. Once again, please. आपको पता है चीची, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. हाँ बहन बोले दीदी. कप्पू के नाना ना, वो अभी राजा बाबू थे. बिल्कुल क्या राजा बाबू के?
वो वैसे ही शक्तिपुर साहब जैसे थे, आधा कच्चा पहनते थे, पूरा सड़क पे ऐसे लिटता हुआ चलता था उनका, झूठ बोलती थी कुछ भी बोलती है तो। जो भी हो मैं उनको राजा बाबू कह के पुकारती थी। हाँ, और नाना इसको मिंटुकले पिंटुकले बोलते थे। क्या याद दिलाया तूने कप्पू? चीची आप आए हो तो एक बार निंटुकले पिंटुकले हो जाए प्लीज, एक बार उसी मूड के साथ उसी अंदाज में, आंखों में आंखें डाल के हटा साउंड। ठीक है अड़ा सावन की गड़ा खा गुजा बत्ती बजा के सो जा क्या, निंटक ले पिंटू के लिए मंटी पे खड़े लिए अंटी बजा लिए बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले वो तो क्या फुटले वटले चारा। नानी तुम ऐसे क्यों बैठी हुई, आराम से बैठो ना, इधर आओ अब बातें करो आराम से। अगर वो तुझे उठा लेते ना तो फिर उठ नहीं पाते। गोविंदा जी आप यहाँ पर आए, मतलब आप आए और मैं ना हूँ, ऐसा हो तो सकता नहीं ना। बिल्कुल सही, गोविंदा आए और दही हांडी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। सर ये स्ट्रॉबेरी दही हांडी फोड़ेंगे आप हीट मार के? फ्लेवर्ड हांडी है ये, थर्मामीटर है ये, किस लिए? सर अपने मुंह में डाल लीजिए। मुझे कौन सा बुखार है? नहीं नहीं वो तो नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आपका मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रहे। मैं कह रही थी कि देखिए आप मेरी नस नस में बसे हुए हैं, मतलब मैं एक नर्स हूँ और आप मेरी नसों में बसे हैं इसलिए नस नस। एक छोटा सा सुझाव था कि व्हाई डोंट यू मैरी मी बंपर? बंपर तुम्हारा दिमाग खराब है? उनको वॉल्वो के ट्रक के नीचे नहीं आना। बंपर तुझे पता है कुली नंबर वन में ना तेरे से बड़ी बड़ी पेटियां उठा के फेंकी उन्होंने। करीब मत, पागल है तू? वो देख उनकी बीवी आई है साथ में, बेटी है उनकी। ओ हेलो मैम, हेलो बेटी। तेरी जुर्रत कैसी हुई मसुंडी? मेरे सामने चीची से डायरेक्ट बात कर रही है तू? तो क्या बीच में एक मैनेजर लाऊं इनसे बात करने के लिए? और मुझे बताइए कि मैं डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकती? हीरो नंबर वन की सबसे नंबर वन फैन कौन है? मैं। हमेशा मुझे इशारे करते हैं, मुझसे कहते हैं कि टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी, टेरिस पे मिलोगी या वो ये कहते थे कि तुझे ट्रक के नीचे दूं कि ट्रक के तेरे को ऊपर चढ़ाऊं, ये बोलते रहे तेरे को। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.